फ्रेंड्स, वेबकैम चैनल में आपका स्वागत है। पाइथन के लास्ट सेशन में हमने फंक्शन के साथ स्टार्ट किया था, तो फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है पाइथन में, ये हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। तो फंक्शन लिखने के लिए हमें पाइथन में एक डेफ कीवर्ड आता है। ये डेफ मतलब डिफिनेशन या फिर डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म है डेफ। देन हमें फंक्शन नेम यहाँ पे देना है और उसके बाद पैरेंथेसिस लिखने के बाद हमें कोलन देके यहाँ पे फंक्शन का बॉडी लिखना होता है। या तो फंक्शन यूजिंग फंक्शन हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं या फिर हम कुछ रिटर्न कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज करते तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है नन टाइप। तो इस तरह से हमने फंक्शन देखा था। और क्या देखा था हमने फंक्शन में, तो ये जो फंक्शन है उसके साथ हम आर्गुमेंट भी भेजते हैं। आर्गुमेंट भेजने के लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर होना चाहिए, पैरामीटर ए एंड बी। तो ये ए एंड बी मतलब क्या होता है कि ये ए एंड बी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज होने वाले, जो सिर्फ फंक्शन के अंदर के बॉडी में ही यूज होने वाले। तो इस तरह से हमने फंक्शन के बारे में देखा था और मैंने लास्ट में बताया था कि हमें एक इस तरह से मैंने लिखा था argv arguments एंड डबल स्टार करके फिर मैंने लिखा था कि key wargv। तो कीवर्ड आर्गुमेंट एंड आर्बिटरी मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो हमने देखा था कि अगर हम फंक्शन को लिखते हैं तो जितने भी हमारे पास मतलब पैरामीटर सॉरी जितने भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट है उतने नंबर ऑफ एस एंड एम मतलब उतने नंबर ऑफ हमारे पास रिसीव करने के लिए वेरिएबल्स होने चाहिए, लोकल वेरिएबल होने चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मेरे पास कम है और मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का एरर देगा। तो देखो एलियन वन टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वेर गिवन। तो ये कह रहा है कि दो दिए हैं और एक ही है रिसीव करने के लिए, तो दूसरा कहाँ पे है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें आर्बिटरी आर्गुमेंट यूज करने होते हैं। आर्बिटरी आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि स्टार लिख के आपको वेरिएबल का नेम देना है और फिर आप इसमें कितने भी वेरिएबल्स नॉट ओनली S1 एंड S2 S3 ऐसे आपके पास 1000 भी वेरिएबल रहेंगे ना, तो भी आप उसको एक सिंगल एस में स्टोर कर सकते हो यूजिंग एस्ट्रिक बोले स्टार। ओके, तो इस तरह से हम आर्बिटरी आर्गुमेंट्स यूज करने वाले हैं पाइथन में और हम इसको यूज करके देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा काम। यहाँ पे देखो मैं स्टार लगाता हूँ तो मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो मुझे फिर से एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि यम इज नॉट डिफाइंड। क्यों कह रहा है यम यूज ना, इससे पहले ये जो यम है, ये जो हमने यम यूज किया है यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल लिया था। ये जो यस है ये एस को रेफर कर रहा है, ये जो यस है ये इसको, ये जो हमने एस वेरिएबल लोकल यहाँ पे डिफाइन किया यूजिंग एस्ट्रिक तो उसको रेफर कर रहा है। उसकी वजह से यस के लिए हमें एरर नहीं आ रहा बट यम के लिए आ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि हमने आर्ग्यूमेंट्स तो दो पास किए बट यहाँ पे हमारे पास सिंगल एस वेरिएबल है, ऐसा रीजन नहीं है इसका। यहाँ पे हम कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं यूजिंग एस्ट्रिक। इसका रीजन ये है कि यम को हमने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, हमने यम को यूज ही नहीं किया तो कहाँ से आएगा यम का वैल्यू है ही नहीं। तो अगर मेरे पास एक यस वेरिएबल है और जिसमें मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे है ना S1 S2 दो वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर सेव की गई है S1 and S2 की, तो दो वेरिएबल तो कौन से फॉर्मेट में ये डेटा सेव होगा, कौन से फॉर्मेट में। तो जब भी हम सिंगल स्टार यूज करते हैं ना, सिंगल आर्गुमेंट यूज करते हैं सिंगल स्टार के साथ, तो इसमें हमारा सेव होता है टपल। मतलब हम ये जो यस है स्टार यस है इसमें क्या सेव हो रहा है इज इक्वल टू S1, S2 इस तरह से मेरे वैल्यूज को सेव किया जा रहा है। ये पाइथन अपनी आप कर लेता है, ये पाइथन का इंटरप्रेटर अपने आप खुद ही ये सारी चीजें परफॉर्म कर लेता है यहाँ से वैल्यू लेके। तो अगर टपल को हमें एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, यस ऑफ जीरो यूज करना होगा
एंड देन यस ऑफ वन यूज करना होगा, है ना। इस तरह से मैं टपल के इंडेक्स को एक एक आइटम को एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसी तरह मुझे यहाँ पे लिखना है, ना ही यस लिखना है मुझे यहाँ पे। मैं अगर ओनली यस लिखता हूँ, ये मेरा एक टपल को कंसिडर करेगा और मुझे एल ई एन की वैल्यू यहाँ पे दो मिलने वाली है, यहाँ पे दो मिलने वाली है। बल्कि मेरा यहाँ पे वेब चैम्प है और एस वन की वैल्यू मेरी एट है, ओके। और यम यम में जो यहाँ पे यम जो है, इसको मैं यस यस ऑफ यस ऑफ यहाँ पे वन पास कर देता हूँ, तो एस टू का वैल्यू मेरा जाएगा एस वन में, है ना, इसमें जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या जाने वाला है, यस वन जाने वाला है, बट मैंने उसका इंडेक्स ही नहीं दिया। मैं एंटायर एस को, ये जो यस है ना, ये जो टपल है उसको ही पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे इसका इसका ये जो वैल्यू है ना, काउंट ऑफ यस वाला, इसका वैल्यू टू मिलने वाला है और इसका वैल्यू मुझे जो भी रहेगा उसका टेन मिलने वाला है। और इस तरह से हमने फंक्शंस को अभी डिफाइन किया है। और मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे कोई भी एरर नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास अभी एम वेरिएबल एज सच है नहीं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने कहा ये टू मिल रहा है, और ये टू क्यों मिल रहा है हमें, ये टू क्यों मिल रहा है, हमने तो यहाँ पे एस वन को पास किया है। और एस वन में तो हम देखेंगे तो यहाँ पे वेब चैम्प मतलब है ना, एट लेंथ है मेरी, एट लेंथ है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो गौर से देखो, यहाँ पे हमने यस पास किया है और हमारा एस वन का पोजीशन है यस ऑफ जीरो, यस ऑफ जीरो। तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, एस इज इक्वल टू एक टपल पास हो रहा है और उसमें एस वन एंड एस टू। तो इसकी वजह से ये एस वन को वन काउंट कर रहा है, एस टू को टू काउंट कर रहा है, इसकी वजह से हमें टू आउटपुट मिल रहा है काउंट ऑफ यस का। और यम का जो है मतलब यम काउंट एम जो हमने लिया है उसमें हमारा एस टू जा रहा है और उसको बराबर से लूप होके हमें काउंट मिल रहा है टेन, जो हमें एक लेंथ का लिस्ट मिलना सॉरी लेंथ मिलना चाहिए था। इस तरह से मेरा काम हो रहा है। तो ये मैं आपको पर्पजफुली दिखाना चाहता था कि यस अगर हम लिखते हैं तो क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो एक टपल में है ना, जो भी नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहाँ पे मैं यस ऑफ जीरो लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रहा है, वेबकैम का लेंथ मिल रहा है एट। इस तरह से हम आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा थॉट है, नेक्स्ट नॉट थॉट ओके, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है आर्ग्यूमेंट्स का, वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्योंकि क्या है, यहाँ पे तो हमने क्या पास किया था, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को पास किया था इस फंक्शन के साथ। मैं एक str को पास कर सकता हूँ और लिस्ट को पास कर सकता हूँ, टपल को पास कर सकता हूँ, टपल को भी पास कर सकता हूँ, है ना, कोई बात नहीं, टपल को भी हम पास कर सकते हैं एंड सेट को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, सेट को भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे डिक्शनरी को पास नहीं कर सकते, डिक्शनरी को पास, क्योंकि ये थोड़ा अलग हमारा डेटा टाइप है जिसमें हमारा की एज टू वैल्यू पेयर में डेटा रहता है। इस पेयर में वैल्यू अगर हमारे पास रहते हैं, हमारे पास इस पेयर में अगर आर्गुमेंट्स हैं, तो हमें सिंगल स्टार के साथ काम नहीं करना है, हमें डबल स्टार यूज करना होता है। और हमें यहाँ पे टू स्टार एंड देन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, इसको हम कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम रहेगा, जिस तरह से हमने यस को यूज किया है, तो उसको भी परफॉर्म करके देखते हैं। और फिलहाल तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अगर डबल स्टार और डबल स्टार, तो जो हमारा हमने अभी देखा की एंड वैल्यू पेयर में जो वैल्यू रहते हैं उसको हम डिक्शनरी कहते हैं, उसको पाइथन में हम डिक्शनरी कहते हैं। और ये सारे फंक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड कीवर्ड, ओके, कीवर्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एआरजी, इस तरह से मैं फंक्शन का नाम देता हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ओके। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज करने के लिए हमने ब्लॉक स्कोप यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे यस वन यस टू, या फिर मैं एक न्यू नेम्स मतलब कोई भी नेम मैं यहाँ पे n1 पास करता हूँ, तो n1 is equal to मैं देता हूँ यहाँ पे वेब चैम्प, देन n2 is equal to मैं यहाँ पे देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। एंड कॉमा करके मैं थ्री आर्गुमेंट्स मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, थ्री आर्गुमेंट्स कौन से पेयर में, की एंड वैल्यू पेयर में, ठीक है, लर्नर। और मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है एक एक का नाम, तो मैं चाहूंगा हेलो
हेलो, प्रिंट करना है ना, मुझे तो प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा, प्रिंट एंड इसमें स्ट्रिंग में तो कोटेशन में हेलो कॉमा करके फिर मैं कहूँगा डी, मैं कहूँगा डी। तो अगर मैं डी को पास करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है ये भी हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन है, क्या है फंक्शन, ये वाला फंक्शन है, और इसको हम यहाँ पे काउंट सॉरी कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन नेम अंडरस्कोर एंड सॉरी ओके नॉट दिस दिस दिस, तो मैं मुझे इसको कॉपी करना चाहिए था क्योंकि बार बार नहीं लिखना। लर्नर ओके, यानी यार लर्नर का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस आउट हो गया था, और हम मैं अगर के वाई कीवर्ड फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसमें वैल्यू एंड वैल्यू एंड वैल्यू एंड की पेयर में, अगर मतलब की एंड वैल्यू पेयर में अगर मैं वैल्यू को पास करता हूँ, आइटम्स को पास करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस डी वेरिएबल में ये सारे मतलब है ना, जो भी एन वन एन टू एन थ्री हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, और वो यहाँ पे एज एन डिक्शनरी स्टोर होने वाले हैं। और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे हेलो करके ये वाला प्रिंट होगा, एंटायर डिक्शनरी मेरा प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, मेरा एंटायर डिक्शनरी। और अगर मुझे इसमें से एक एक आइटम को मतलब है ना, एक एक आइटम को वेबचम को अगर हेलो करना है तो मुझे इसमें एक की पास करनी होती है, और की पास करने के लिए हमारे पास की देखो यहाँ पे है कोटेशन के साथ, कोटेशन के साथ यहाँ पे हमारा की है, तो उसको एज इट इज यूज करना है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कोटेशन यूज नहीं किया, यहाँ पे जिस तरह से हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं ना, उसी तरह से हमने यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू पास की है, और हमने यहाँ पे डबल एस्ट्रिक यूज करके ऊपर हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, डबल एस्ट्रिक यूज करके हमने उसको एक डी में। तो जब भी हम डबल एस्ट्रिक यूज करेंगे ना, इसमें कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम पास करते हैं, तो उसको पाइथन डिफॉल्ट में एक डिक्शनरी में, पाइथन डिफॉल्ट में एक डिक्शनरी में जिस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है ना, ये देखो यहाँ पे उस तरह से एक डिक्शनरी को स्टोर, डिक्शनरी में सारे वेरिएबल को स्टोर कर देगा, और उसको चेंज करके है ना, यहाँ पे देखो क्या भेजा हमने, एन वन इज इक्वल टू इस तरह से हमने वेब चैम को लिखा हुआ है, बट हमें आउटपुट में क्या दिख रहा है, तो एन वन एज सॉरी एन वन एक कोटेशन में एन वन है, और एज टू हमारा डब्ल्यू सी वेब चैम्प है, वेब चैम्प ओके। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पाइथन खुद कर रहा है, पाइथन खुद कर रहा है, और इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको देखो, और अभी हमारे पास अगर डिक्शनरी है, हमारे पास डिक्शनरी है, तो उसके आइटम्स को किस तरह से एक्सेस करना है ये हमने देखा हुआ है। और मैं इसको रन करता हूँ, और रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, देखो हेलो वेब चैम मिलता है। मैं अगर यहाँ पे एन टू को पास करता हूँ, एन टू को पास करता हूँ और इसको रन करता हूँ, मुझे देखो आउटपुट मिल रहा है हेलो यूट्यूब, और एन थ्री को पास करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है हेलो लर्नर। तो इस तरह से हम आर्बिट्री आर्गुमेंट्स एंड आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स को यूज कर सकते हैं फॉर लिस्ट टपल सेट स्ट्रिंग एंड डिक्शनरी सारे डेटा टाइप के लिए। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट डिक्शनरी के लिए यूज किए जाते हैं, और बाकी सारे डेटा टाइप के लिए हम नॉर्मल आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमें फंक्शंस के साथ काम करना है, ये सारी चीजें फंक्शंस के लिए थी। इसके बाद हमें एक न्यू फंक्शन का टाइप आता है, और न्यू फंक्शन का टाइप आता है जिसको पाइथन में कहा जाता है कि लैम्बडा फंक्शन, जिसको पाइथन में कहा जाता है लैम्बडा फंक्शन, लैम्बडा है ना, आपने सुना होगा आपने देखा होगा। तो लैम्बडा फंक्शन मतलब एक एनोनिमस फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है ना, एनोनिमस फंक्शन मतलब उसका कोई नेम नहीं है, ये जो फंक्शन होता है इसको हम, इसको हम एक नेम नहीं दे सकते, जिस तरह से है ना, इसको हमें लिखने के लिए डिफाइन एंड देन फंक्शन नेम देन पैरेंथेसिस एंड देन रिटर्न रिटर्न करके इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर मैं ये सेम फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, अगर मैं सेम फंक्शन यूज करना चाहता हूँ यूजिंग लैम्बडा, तो हम किस तरह से लॉजिक लगा सकते, तो हमें इस तरह से लिखना ही नहीं है। ये जो लैम्बडा होता है ये डिफॉल्ट में रिटर्न कर देता है, डिफॉल्ट में रिटर्न कर देता है, एक शॉर्ट हैंड है इसका, फंक्शन लिखने का एक शॉर्ट हैंड है। बट हमारे पास एक ही कंडीशन है कि जो लैम्बडा होता है इसका वैल्यू जो होता है ना, उसको कहीं पे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना, किसी एक वेरिएबल में उसको
स्टोर करना होता है। और लैम्बडा फंक्शन जो होता है ना, इसमें हम कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, बट उसको लिखने के लिए एक सिंगल लाइन में, एक ही एक्सप्रेशन में लिखना है, कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम प्रिंट या फिर फॉर लूप ऐसे नीचे नीचे जाते हुए, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स एक फंक्शन में हम डिफाइन कीवर्ड यूज करके लिख सकते थे, बट यूजिंग लैम्बडा फंक्शन हम उस तरह से फंक्शन को नहीं लिख सकते। हमें एक ही लाइन में एक सिंगल एक्सप्रेशन में सारी चीजें परफॉर्म करनी है। तो इस तरह से हमें पाइथन में लैम्बडा फंक्शन को यूज करना है, ये हम देखते हैं। और अगर मेरे पास ये डिफाइंड वाला फंक्शन को मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं चाहूंगा जैसे कि मैंने कहा x इज इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे लिखना है लैम्बडा एस या एक्स। देखो लैम्बडा मैंने यहाँ पे लिखा, ये इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। चलो इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा लैम्बडा फंक्शन को लिखा और एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल दिया। और मतलब है ना, यहाँ पे हम एक्स सिंगल नहीं बट मल्टीपल दे सकते हैं, मल्टीपल ए बी सी डी, जब तक आपका मन करे तब तक हम इसमें वैल्यू पास कर सकते हैं। बट इसका जो ब्लॉक है, एज सच ब्लॉक कोई नहीं है इसका, एक सिंगल एक्सप्रेशन में, एक सिंगल लाइन में आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है। तो कोलन करके आपको अगर लिखना है a + b + c + d, तो ये क्या करेगा, ए बी सी डी के वैल्यू x के पास से लेगा। मतलब जिस तरह से हम अभी फंक्शन का नेम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम वेरिएबल यूज करेंगे x और उसमें भेजेंगे 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से मैंने फोर पैरामीटर्स को लिया और फोर पैरामीटर्स को यहाँ पे पास भी, आर्गुमेंट्स को पास भी कर दिया, और ये मेरा फंक्शन का कॉल भी हो गया। बट ये फंक्शन मैंने जैसे बताया, लैम्बडा होता है ना, ये डिफॉल्ट में रिटर्न करता है। तो मुझे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे कोई एरर भी नहीं देगा और कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा, है ना? ना ही एरर आया, ना ही आउटपुट मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये वैल्यू इसमें स्टोर हो चुकी है, बट हमने इसको एक्स में जाके वैल्यू स्टोर हो चुकी है, ये फंक्शन कॉल हो चुका है, बट हमें आउटपुट देखने के लिए प्रिंट कीवर्ड यूज करना होता है। अगर ये हम यूज नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं दिखेगा। तो देखो है ना, 10 आ रहा है क्या मेरा सम, 1 + 2 + 3 + 3 + 6 + 4 = 7। इस तरह से हमारा 10 जो है हमें सम मिल रहा है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं लैम्बडा फंक्शन के साथ। बट याद रखना है, हमें एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही लिखना है, हम दो बार नहीं गए। अगले लाइन में जाके मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, तो नेक्स्ट में मैं इसमें a × b × c इस तरह से नहीं लिख सकता। उसके लिए आपको नेक्स्ट लैम्बडा फंक्शन लेना होगा, मतलब फिर से न्यू वेरिएबल, न्यू लैम्बडा फंक्शन, है ना, और न्यू कॉल उसको। इस तरह से लैम्बडा फंक्शन काम करता है पाइथन के साथ। बड़े बहुत ही पावरफुल फीचर, मतलब है ना, फंक्शन का कहा जाता है इसको। और इसको एक फंक्शन के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, तो किस तरह से हमें यूज करना है, तो मतलब फंक्शन के अंदर किस तरह से यूज करना है ना। तो नॉर्मल फंक्शन हम जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से उसको यूज करेंगे, सेम तरीके से यूज करेंगे उसको। बट ये लैम्बडा फंक्शन है ना, इससे कोई भी वैल्यू को हम जैसे इस तरह से प्रिंट लिखा है और उस तरह से हम यहाँ पे इससे आउटपुट, इससे हमें एक वैल्यू ही, ऑलवेज वैल्यू ही रिटर्न होगा, इससे हमें एक वैल्यू ही रिटर्न होगा। तो चलिए देखते हैं, हम एक डिफाइन करके फंक्शन लिखते हैं, और फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हैं हम, xyz करके फंक्शन का नेम दे सकते हैं इसके अंदर, या फिर मल्टीप्लायर, हम है ना मल्टीप्लायर मैं फंक्शन का नाम देता हूँ, और इसमें एक n वेरिएबल को पास करता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक फंक्शन देना है और मैं इस फंक्शन से भी रिटर्न करता हूँ, बट रिटर्न मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न लैम्बडा को करूंगा। तो मतलब मेरा रिटर्न ऑफ रिटर्न हो गया, है ना। एक फंक्शन में हम दो बार रिटर्न फंक्शन नहीं यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे हम यूजिंग लैम्बडा फंक्शन
इसको रिटर्न इंस्टेड ऑफ रिटर्न, मतलब लैम्बडा जो है डिफॉल्ट में हमें एक रिटर्न करने वाला है, क्या रिटर्न करने वाला है, तो जो भी उसके एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा वो रिटर्न करने वाला है, और उसके साथ हमें क्या पैरामीटर पास करने हैं, लैम्बडा और ए ऑफ, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं अगर देता हूँ यहाँ पे 1, या फिर अच्छा कुछ भी हम ए इंटू एन ये ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम ए इंटू एन कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखोगे तो आप ए को हम ये को हम मतलब डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना, इसमें पास नहीं कर रहे, पास नहीं कर रहे, तो ये की वैल्यू जो है, ये की वैल्यू जो है हमें कहाँ पे पास करनी है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम इसमें सिर्फ ए एन को पास करेंगे तो हमें वैल्यू आउटपुट कैसे मिलेगा, ये है ना, मिलेगा ही नहीं, आउटपुट किस तरह से मिलेगा, तो ये मल्टीप्लायर्स को मैं कॉल करता हूँ, मल्टीप्लायर्स को मैं इसमें एन पास करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा, कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा एक्सपेक्टेड। चलिए यहाँ पे मेरा सेमी कोलन मिस हो गया था, और इसको रन करता हूँ तो ये देखो ये क्या कह रहा है, एन इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे एन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो मुझे वैल्यू भेजनी है 2, चलिए 2 नहीं, कोई भी मैं वैल्यू 10 भी भेज सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे, और मुझे एरर भी नहीं मिल रहा और आउटपुट भी नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, कुछ तो मिसिंग है, हमने ये यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन यूज किया है और इसकी वजह से हाँ ये वैल्यू रिटर्न हो रहा है, बट हमने प्रिंट नहीं किया, तो चलिए इसको प्रिंट करके भी देखते हैं, तो कुछ तो भी हमें आउटपुट मिलेगा, तो चलिए ये भी हमें ट्राई करके देखना है कि क्या हमें प्रिंट करना है, तो ये देखो ये हमें एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, ये मेमोरी का लोकेशन होता है, और एक एक मेमोरी को इसमें मल्टीप्लायर में स्टोर किया गया है, मतलब ये कह रहा है कि इसके लिए एक मेमोरी एलोकेट किया गया है, और इसमें लैम्बडा फंक्शन है, इसमें लैम्बडा फंक्शन है, और लैम्बडा फंक्शन के लिए कौन सा पैरामीटर भेजना है हमें, ए को भेजना है, ए पैरामीटर को भेजना है, जब तक हम है ना इसको मतलब इस तरह से अगर आपको आउटपुट मिलता है कभी भी फंक्शन मल्टीप्लायर डॉट लोकल डॉट लैम्बडा, एक मेमोरी का एड्रेस हमें रिटर्न कर रहा है, ओके, तो ये ज्यादा इसके ऊपर फोकस मत करो ये किस तरह से बनता है, तो ये सिस्टम डिफॉल्ट में दे देता है, आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना है कि इस फंक्शन को किस तरह से रन किया जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ एक नेक्स्ट है ना, हम जैसे हमने देखा था कि लैम्बडा फंक्शन जो होता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एंड देन मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर और मैं फिर 10 यूज करता हूँ और उसको रन करता हूँ, तो भी मुझे कुछ एरर नहीं मिल रहा, और मैं जब यहाँ पे एक्स ऑफ यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन का वेरिएबल मैं ए जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे भेज सकता हूँ, और मैं इसको प्रिंट करूंगा, और मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 10 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन होके वैल्यू रिटर्न मिलेगा 20 20, इस तरह से हमें वैल्यू मिला है, कंफ्यूजन हुआ होगा ऐसा मुझे भी लग रहा है, तो चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं, तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एन की वैल्यू है ना मल्टीप्लायर फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया और एन की वैल्यू जो 10 है उसको यहाँ पे असाइन किया, उसको यहाँ पे 10 असाइन किया, और वो क्या करेगा 10 को यहाँ पे पास कर देगा, और उसको एक्सप्रेशन क्या, एक्सप्रेशन ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, देखो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर होने वाला है, एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा, एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा, और लैम्बडा के अंदर a into 10 सेव होने वाला, ये जो x वेरिएबल है ना उसमें ये वैल्यू, और लैम्बडा को हमने देखा है इसके पहले कि किस तरह से कॉल करना है, तो जिस वेरिएबल में पास किया है उसको एज अ फंक्शन नेम डिफाइन करके मतलब यूज करके उसके अंदर हमें लैम्बडा के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको पास करना है, उसको पास करना है, और उसको मैंने यहाँ पे एज अ 2 पास किया, तो ये क्या करेगा, ये जो 2 है उसको उसको यहाँ पे पास कर देगा, उसको यहाँ पे पास कर देगा, और रिटर्न में क्या देगा हमें 2 into 10 की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इस तरह से हमारा फंक्शन काम करने वाला है, इस तरह से हमारा फंक्शन काम करने वाला है, ये जो है ना लैम्बडा फंक्शन इनसाइड ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर लैम्बडा फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है, और ये पावर है, और इसके अंदर मतलब जैसे है ना लैम्बडा के अंदर हम दो भी वेरिएबल पास कर सकते हैं, दो भी वेरिएबल पास कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इंटू बी भी करता हूँ तो भी चलेगा, और यहाँ पे मुझे देखो यहाँ पे लैम्बडा में क्या है, यहाँ पे लैम्बडा में 2 पैरामीटर थे, और यहाँ पे हमें 2 वैल्यू को पास करना है, और मैं इसको करता हूँ तो मुझे वैल्यू ट्रिपल होके मिलेगा, देखो यहाँ पे आउटपुट मुझे 60 मिला, तो इस तरह से हम
पाइथन में फंक्शन लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं इनसाइड ऑफ अनदर फंक्शन और कोई भी वैल्यू को, मतलब है ना ये जो लैम्डा फंक्शन है ना इसको मतलब बहुत पावरफुल फंक्शन है और इसको हम पाइथन में एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। इसी के साथ हमारा पाइथन का जो फंक्शन टॉपिक है ये कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीट हो चुका है और नेक्स्ट सेशन के साथ हम मूव करने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन में हम पाइथन के जो आगे वाला कंसेप्ट है ना बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम कहेंगे कि पाइथन में है ना ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड मतलब ब्लूप्रिंट, पाइथन के ब्लूप्रिंट कोड के ब्लूप्रिंट लिख के किस तरह से लिखा जाता है ना, किस तरह से यूज किया जाता है, लिख के किस तरह से उसको स्टोर किया जाता है, एक क्लास को डिफाइन करके उसके अंदर किस तरह से है ना मल्टीपल मेथड्स को हम डिफाइन करके रखेंगे और उसको यूज कैसे करेंगे। तो मतलब हम नेक्स्ट सेशन में इन शॉर्ट आपको ये OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको WebChamp को सब्सक्राइब करना है ना, तो इसको बटन दबा के आगे रखिए और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।